Hey guys, welcome to TV का तड़का, जिसमें क्विज फॉर टीवी रोजाना अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आता है टीवी स्टार्स और शो से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी से बताते हैं आपको आज की खबरों के बारे में। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज। बिग बॉस 15 के लिए सामने आए चार और स्टार्स के नाम। बिग बॉस 15 की बस शुरुआत होने ही वाली है। कई स्टार्स के नाम पहले ही सामने आ चुके हैं, वहीं अब इस लिस्ट में चार और स्टार्स के नाम जुड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये सब स्पेस कंटेस्टेंट माइशा अय्यर, डॉन टू फेम एक्टर साहिल श्रॉफ, एक्टर ईशान सहगल और रिया चक्रवर्ती भी पार्टिसिपेट करते नजर आ सकते हैं। टीवी का तड़का, दूसरी टॉप न्यूज। अनुपमा में नए ट्विस्ट पर आई बड़ी अपडेट। बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले एपिसोड में वनराज अनुपमा के लिए अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेगा। हालांकि उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि वो उनसे कभी प्यार नहीं करते, वो खुद उनके लिए अपने सच्चे इमोशंस को महसूस करेगा। साथ ही वनराज को अपनी एक्स वाइफ अनुपमा के लिए अपने बर्ताव के लिए काफी बुरा भी लगेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुपमा और वनराज अलग अलग रास्तों पे हैं, इसीलिए सुधांश के किरदार को इस तरह से ट्विस्ट किया गया है और फैंस को पता चल जाए कि वो अनुपमा के लिए कैसा महसूस करता है। टीवी का तड़का, तीसरी टॉप न्यूज। खतरों के खिलाड़ी 11 का फिक्स विनर कहलाने से दुखी अर्जुन बिजलानी, कही ये बात। दरअसल दिव्यांका के फैंस को लगता है कि वो शो जीतना ज्यादा डिजर्व करती थी। शो जीतने पर हो रही ट्रोलिंग पर अर्जुन ने दुख जताया है। बॉलीवुड लाइफ को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा, ये बहुत दुख की बात है। ये शो इस चीज पर बेस्ड नहीं है कि चैनल किसे अहमियत देता है, ये इस बात पर बेस्ड है कि कौन स्टंट जल्दी परफॉर्म करता है। फिनाले का स्टंट मैंने ज्यादा जल्दी किया, कुछ दूसरे स्टंट्स दिव्यांका ने जल्दी किए थे। उस दिन मैं ज्यादा अच्छा था, चैनल स्टंट नहीं कर रहा था। लोग जब एक बार देखेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि मुश्किल स्टंट था और दिव्यांका कुछ देर नेट पर फंस गई थी। जिसने भी स्टंट देखा वो ये जानता था कि मैंने जल्दी किया है। टीवी का तड़का, चौथी टॉप न्यूज। बिग बॉस ओटीटी में शमिता के गेम से क्यों नाराज है देवोलीना। एक्ट्रेस देवोलीना ने बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट शमिता शेट्टी के बारे में बात की। उन्होंने शमिता के गेम के बारे में बात की, साथ ही इस बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की कि गेम को लेकर शमिता का अप्रोच कैसा था। कोयमोई को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, अगर ईमानदारी से मैं एक व्यूअर के तौर पर बात करूं तो मुझे उनका गेम उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो कैमरे को लेकर कॉन्शियस थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा बिग बॉस में रियल कंटेस्टेंट अच्छे लगते हैं, वो भले कुछ अच्छा करें या बुरा करें। शायद वो बुरा करेंगे तो मैं ट्विस्ट कर लूंगी, मगर जहन में ये तो आ जाएगा कि बंदा रियल है। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज। विद्रोही शो में अपने किरदार पर हेमल ने किया ये खुलासा। शरद मल्होत्रा बहुत जल्द विद्रोही शो में नजर आएंगे। इस शो में उनके अपोजिट मराठी एक्ट्रेस हेमल दावे नजर आएंगी। ऐसे में शो के शुरू होने से पहले हेमल ने अपने पहले डेब्यू शो पर काफी कुछ रिवील किया है। कोयमोई से खास बातचीत में हेमल ने बताया, शो में मेरा किरदार राजकुमारी कल्याणी का है जो काफी मजबूत है, उसके पास एक आवाज है। किरदार निभाते टाइम मुझे खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि मैं एक अलग युग में हूँ और मुझे एक खास तरह की बॉडी लैंग्वेज की जरूरत है। मेरी पूरी कॉस्ट्यूम ने मुझे राजकुमारी कल्याणी की तरह और मजबूती से महसूस करने में मदद की। हमने शो की शूटिंग शुरू कर दिया है और हम शो के एक्शन सीन्स को खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आगे भी करना चाहूंगी। टीवी का तड़का, छठी टॉप न्यूज। मौनी के बर्थडे पर दोस्त मंदिरा ने लिखी कविता। आज है 28 सितंबर और आज मौनी अपना बर्थडे मना रही हैं। टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय के लिए उनकी बेस्ट फ्रेंड मंदिरा बेदी ने ढेर सारी तस्वीरों के साथ बहुत प्यारी कविता लिखी है, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर भी किया है। टीवी का तड़का, सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज। शहनाज को लेकर इमोशनल हुई देवोलीना, अब कही ये बात। शहनाज गिल की हालत सिद्धार्थ को खोने के कई दिन बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं। वहीं अब एक्ट्रेस देवलीना भट्टाचार्य ने शहनाज की हालत को लेकर चिंता व्यक्त की है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में देवलीना ने शहनाज को लेकर कहा कि शहनाज के लिए यह आसान नहीं होने वाला, लेकिन उन्हें उन सपनों को पूरा करना है जो सिद्धार्थ शुक्ला ने उनके लिए देखे थे। वक्त तो ये है टीवी की दुनिया की आज की सात छोटी बड़ी खबरें।